welcome to sleepy classes in your few मिनट series for polity and governance अब आज का जो टॉपिक है बहुत ही क्रूशल टॉपिक है और ये दो तीन एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज़ तो इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनपे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राइट सेकेंडली इसमें कई चीज़ें ऐसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर कोट की जा सकती है आपके जी एस वन के सोशल इश्यूज़ के टॉपिक्स में आपके जी एस टू के अंदर साथ ही साथ में आपके जी एस फोर के अंदर भी कई जगह एथिक्स के अंदर यूज़ की जा सकती है इसके अलावा ऐसे के अंदर अगर विमेन जो है एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का विमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव विमेन हिंडरेंसेस टू तो डेवलपमेंट ऑफ तो विमेन इन इंडिया इन सारे मुद्दों पे भी अगर ऐसी चीजें आती हैं तो ये एक बहुत ही कोर्टवर्दी एग्जाम्पल है तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे इस इशू को कवर वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगी कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेन्स के पर्स्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कोर्ट वर्ती हैं ठीक है अब टॉपिक क्या है अबाउट रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर विमेन इन इंडिया ठीक है अब ये चीज तो हम सबको पता है एक चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर जो मैरिजल एज है मैरिजेबल एज का क्या मतलब होता है जिस पे, जिस एज एज पे पे मिनिमम किसी की शादी कराई जा सकती है ठीक है तो इंडिया में क्या केस है दैट फॉर विमेन इट्स डिफरेंट एंड फॉर मेन इट्स डिफरेंट तो लड़कियों के लिए क्या एज है क्या मिनिमम एज सेट की गई है करेंटली इट्स एट एटीन ईयर्स ऑफ एज एंड लड़कों के लिए क्या है इट इज एट ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज ये जो है मिनिमम एज ऑफ मैरिज है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इन द कंट्री अब यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल डाला है इज सेट टू पहले ही अब ये ये अब पार्लियामेंट के सामने आएगा वहां से पास होगा फिर जो 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 है है इसके इसके अंदर अंदर डिफरेंसेस चेंजेस बेसिकली जो बैकिंग uh, लॉज है जो सपोर्टिंग लॉज उनके अंडर चेंजेस लाए जाएंगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल अप्रूव किया है कि जो एज ऑफ मैरिज है लड़कियों के लिए द एज ऑफ मैरिज फॉर वेमेन शुड बी रेस फ्रॉम एटीन ईयर टू ट्वेंटी Years of age. That means that for men and women in India, now the marriage age should be equal, that is 21, rather than being lower for women that is of 18 years. Now the government claims that this idea, this proposal, is based on the recommendation of a very, very important task force. So basically, June 6, 2020, pe ye create, ki thi, which was your task force led by Jaya jaitley So task force thi mainly. बिठाई गई थी टू लुक इन टू द आइडिया ऑफ अर्ली मदरहुड कि इंडिया के अंदर एक और जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है इज गर्ल्स बिकमिंग मदर्स एट वेरी यंग एज एंड उसके कारण क्या होता है उसके कारण जो बच्चे की हेल्थ है वो तो इम्पैक्ट होती ही होती है राइट right? साथ ही साथ में आपकी जो मिटर्नल आपकी जो विमेन की हेल्थ है वो भी इम्पैक्ट होती है एंड देट इज़ वाई मिटर्नल मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सब चीज़ें जो हैं इनसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है तो ये माना गया दैट व Ways of improving our numbers in the infant and maternal mortality rate is by ensuring that women become mothers at a thodi si slightly higher age rather than a very young age, right? इन्हीं चीजों के लिए टास्क फोर्स बिठाई गई एंड इसी दौरान गवर्नमेंट ने पॉइंट आउट किया दैट देयर इज आल्सो अ लिंक बिटवीन अर्ली मैरिजेस एंड अर्ली मदरहुड कि अगर अर्ली शादियां हो रही हैं लड़कियों की जल्दी शादियां हो रही हैं तो जल्दी वो मां भी बनेंगी ठीक है सो इफ विमेन गेट मैरिड से चाइल्ड मैरिज अगर उनकी हो जाती है राइट पहले ही वो माए भी बन जाती है इनफैक्ट अ लॉट ऑफ आज माइट हैव हर्ड है दादीज पर दादीज की उनकी शादी कैसे सोलह साल की उम्र पे हो गई

आपको पता होना चाहिए कि ये मिटर्नल हेल्थ के मदरहुड के इश्यूज के साथ जो है डील कर रही थी नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्स्पेक्टिव इज आखिरकार वेन वी टॉक अबाउट द एज ऑफ मैरिज वॉट आर द वेरियस मैरिज लॉज इन इंडिया एंड क्या वो किसी एज के बारे में बात करते हैं तो येस वॉट इज द लीगल बैकिंग है वॉट इज द लीगल एज एज स्टेटेड इन वेरियस लॉज इन इंडिया ना सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कुछ पर्सनल रिलीजन स्पेसिफिक लॉज भी हैं राइट सो बेसिकली इफ टू हिंदूज गेट मैरिड टू इच अदर और टू क्रिस्टन्स गेट मैरिड टू सो अदरसो तो वो उस इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर करते हैं जब इंटर कास्ट या इंटर फेथ मैरिज होती है तो वो स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंदर आ जाती है ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज है डिफरेंट फेथ्स के लिए एंड देन वी ऑल्सो है मोर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सिविल लॉ दैट इज द स्पेशल मैरिज लॉ अब इन सब के अंदर क्या क्या एज है अगर हम बात करें हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ नाइनटीन की एज वेल एज द इंडियन

इसके जो 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 हमारा Special Marriage Act है, जो है, एज, men, जो है, है. राइट, कि को करता करता भी सेम ही 18 21 वो अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है विच इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006. तो प्री लेट आया था ये बट ये क्या है ये एक ऐसा लॉ है जो कि एक

ई जा सकती है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हाउ एवर एज वी नो राइट नॉट जस्ट इन इंडिया इन एवरी कंट्री ये देखने को मिलता है दैट लॉज आंट ऑलवेज फॉलोड एंड अगेन वेन इट कम्स टू मैरिज विच इज सच अज सोशल फंक्शन राइट इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा सुसाइटली ड्रिवेन है इन ऑफ हु गेट्स मैरिड टू होम वेन ड वेन गेट वन गेट मैरिड ठीक है कहाँ पर शादी होती है इन सब के ऊपर जो है सोसाइटी इतनी ज़्यादा रेगुलेशन करती है ठीक है तो बट ऑब्वियस है कि लॉ जितना मर्जी बन जाए उसकी पेनिट्रिएशन कितने हद तक सोसाइटी में हुई है दैट रिमीन्स राधा क्वेस्चनेबल एंड इन फैक्ट बोथ आर एन एफ एच एस फोर एंड देन एन एफ एच एस फाइव ने पॉइंट किया है कि इंडिया के अंदर अभी भी देर इज अ कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ विमेन हु आर बींग मैरिड बिल

औरत बाय द नेम ऑफ बनवारी देवी ठीक है जिन्होंने ये एक आशा वर्कर थी एक आंगनवाड़ी वर्कर थी बेसिकली राजस्थान में एंड इनको पता लगा था कि चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं तो इन्होंने जाके उनको रोकने की कोशिश की थी इन अपर कास्ट पीपल इन राजस्थान एंड उसी के चलते हुए वाइल्ड शी वॉज परफॉर्मिंग दिस ऑफिशियल ड्यूटी वाइल्ड शी वॉज परफॉर्मिंग दिस ऑफिशियल टास्क वॉट हैपन्स इज दैट शी वॉज रेप्ड शी वॉज गैंग रेप्ड एंड यही बनवारी देवी की केस से जो है चली थी पूरी ये इंटायर इशू ऑफ सेफ्टी एंड सेक्शुअल सेफ्टी ऑफ विमेन ऐट दे आर वर्क प्लेस एंड किस तरह से जो है उनको उनका शोषण किया जा सकता है दे कैन बी एक्सप्टेड एंड इसी के चलते हुए आगे चल के जो विशाखा गाइडलाइंस आई थी राइट एट सेक्सुअल टू अवॉइड सेक्सुअल हैरसमेंट एट वर्क प्लेस जिनके बेसिस पे प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट फाइनली बनाया गया था राइट right? ये सब जो है इसी बनवारी देवी के केस से लिंक्ड है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है एक इशू है ऑफ चाइल्ड मैरिज ना अगर तो चाइल्ड मैरिज पहले पकड़ी गई तो तो एक इलीगल एक्ट है जिसको वो रोक देंगे बट व्हाट इफ चाइल्ड मैरिज हो चुकी है से काफी सालों बाद अ वुमेन से नाउ हु इज अ फुल एज कम्स एंड कि हां जी मेरी तो चाइल्ड मैरिज की गई थी ठीक है तो तब क्या होगा नाउ इट माइट बी इीगल बट आफ्टर अ वोमन से कम्स अहेड और समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज डिटेक्टेड ड नॉट मीन हो जाएगी ठीक है कि जैसे ही पता लगा कि मैरिज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है और कहते हैं कि आप मेरी जो शादी है उसको नल एंड है डिक्लेयर कर देंटीन कोर्ट विल डू इट अदरवाइज नहीं अब ये क्यों किया गया है ये इसलिए किया गया है दैट व्हाट इफ कल को आके कोई रिपोर्ट कर दे एंड ऑटोमेटिकली वो वॉइड हो हो जाए राइट अब ये तो हो सकता है कि वो बेचारी जो औरत थी जिनकी से, 16 साल पे शादी हो गई बाय द टाइम शी वाज 20 समवन डिटेक्टेड कि इनकी शादी हुई थी और उन्होंने जाके कोर्ट को बता दिया पीस साल की उम्र तक उनके दो बच्चे हों अब कोर्ट ने तो वॉइड कर दी शादी पर उन दो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा एंड देन जो विमेन है उनके जो मैरिटल होम में राइट्स होते हैं से एज अ पार्ट ऑफ जो उनके घर की प्रॉपर्टी है बाकी चीजें हैं उन पे ऑल्सो लूज़ेस जितने भी उनके भीट हैं सो सो एस टू सेव गार्ड दिमेन एंड उनके so, so जो बच्चे होते हैं ऑफ देर राइट इन द मैरिटल होम उनसे वो छीने ना जाए इसलिए जो है इसको ऑटोमेटिकली वॉइड वो नहीं करते हैं हाउ अगर कोर्ट को पता लगता है कि कोई भी जो माइनर बच्चा है दैट चाइल्ड वॉज फोर्स्ड इन टू मैरिज बाय से पेरेंट्स और गार्डियंस राइट देन जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है उसके अंडर क्या हो सकता है उसके अंडर जो माइनर बच्चा है बच्चा कैन बी अंडर द कस्टडी राइट अंडर द ऑफ़ द कोर्ट, उनकी ओवरसाइट के अंदर वो रखा जाएगा टिल द टाइम दैट चाइल्ड मेजोरिटी एज से वो 18 साल की लड़की जो है हो जाती है एंड देन गर्ल कैन टेक अ डिसीजन दैट शी वांट टू स्टे इन दिस मैरिज और शी वांट टू गेट रिड ऑफ इट राइट सो सर्टेन एडिशनल कि इंक्लूड किए गए हैं

उन्होंने पॉइंट आउट किया दैट द गवर्नमेंट गिवन द काइंड ऑफ डेटा दैट इंडिया हैज एंड देन इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं जो कि मिटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स के ऊपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नजर डालते हैं सो वन ऑफ द टास्क ऑफ द डे आपने मुझे बताना है कि कौन सा एस जो है विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ से लिंक्ड है राइट तो आपने कॉमेंट्स में उस एस के बारे में मुझे बताना है तो निर्मला सीतारमन ने पॉइंट आउट किया कि देखिए हम एक टास्क फोर्स सेटअप करेंगे हु विल लुक इनटू द इशू ऑफ एन एज ऑफ गर्ल जो कि मदरहुड एंटर कर रहे हैं ताकि हम लोअर कर सके मटर्नल मोर्टैलिटी रेट्स को इम्प्रूव कर सके विमेन का जो है न्यूट्रिशन लेवल साथ ही में हम इनकरेज कर पाए विमेन को रादर देन बिकमिंग अर्ली मदर्स और गेटिंग मैरिड एट अ वेरी वेरी यंग एज आप एजुकेशन कंप्लीट कीजिए अपने करियर्स को परस्यू कीजिए ठीक है साथ ही में यही टर्म ऑफ रेफरेंस जो है दिए गए थे टू द वेरी इंपॉर्टेंट जया जेटली

पब्लिक नहीं की गई है बट इसकी कुछ रेकमेंडेशंस के बारे में हमें पता है इंक्लूड सबसे पहले तो हम जिसकी बात कर रहे हैं रेज करना द एज ऑफ मैरिज वन ऑफ द सेज ऑफ इंक्रीजिंग द एज ऑफ मदरहुड इज एजिंग द रेज ऑफ मैरिज देन दे से ऑल्सो नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंपेन जिसके थ्रू पेट्रियाल माइंड सेट्स जो है रिफॉर्म हो सके कि बेटी का एंड गोल बस शादी कराना नहीं होता है बल्कि विमेन कैन डू मेनी मेनी थिंग्स इन दर लाइफ स्टैंड इन यर ओन फीट बी सेल्फ रिलायंट बी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स देन इम्प्रूव करना एक्सेस टू एडुकेशन राइट लड़कियों को एक सेफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल देके इंश्योर करना टॉयलेट सैनिटरी प्रोडक्ट्स इन स्कूल ऑल्सो सो दैट विमेन वॉन्स दे गर्ल्स वेन दे रीच प्यूबर्टी दे डोंट एंड ड्रॉपिंग आउट ऑफ राइट साथ ही में सेक्स एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग लाइवलीहुड मेजर्स ये सब प्रोवाइड करना ताकि विमेन के अंदर गर्ल्स के अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ सके ठीक है ये सब जो है रिकमेंडेशन इस टास्क फोर्स की मानी गई है नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो कि मेन्स के परस्पेक्टिव से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इज कि क्या रेस करना मैरिजेबल एज

That 18 years of age. So, इसका क्या मतलब है? That a of women, जो की एज में है आज इंडिया में उनकी अठारह साल से पहले राइट right? मतलब देवा नाबालिग वो जो है बच्चिया थी जब उनकी शादी हो गई ठीक है जिससे हमें क्या पता लगता है दैट इवन दो 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजज एक्ट बना दिया गया था इट रियली हैजंट बीन सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजज एंड अभी भी अंडर द रेडार चाइल्ड मैरिजज जो है होती जा रही हैं राइट अब इनका क्या मानना है ये कहते हैं अगर आप यूनिलैटरली अभी इंक्रीज कर देते हैं पहली चीज तो अभी भी बिफोर द पार्लियामेंट पासिस नंबर ऑफ मैरिजेस विच हैपन एंड साथ ही में अगर आपने लॉ भी पास कर दिया अभी जिनकी शादी हुई है एट दिस यंग एज क्या आप उनको सीधा नल एनवॉइड कर देंगे उन शादियों को उनके पास तो कोई लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं रहेगी ऐसी लड़कियों के पास उनके मां बाप उनको वापस नहीं ले जाना चाहेंगे मैरिटल होम के अंदर उनके पास कुछ राइट नहीं रहेंगे सो वॉट विल यू रियली डू अबाउट दिस देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम एन एफ एच एस सर्वे जो हमारा चौथा था विचव ट्वेंटी फिफ्ट

बहुत पुअरेस्ट कैटेगरी हैं रूरल वीमेन है उसके अंदर तो दिस फिगर इज एज हाई एज सेवेंटी फाइव परसेंट देन वेरी इंपॉर्टेंटली जब भी हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट का जो एविडेंस है, है उसको देखते हैं उससे हमें क्या पता लगता है मेनली पेरेंट इसका मिस यूज कर रहे होते हैं कि वेमेन जो लड़कियां होती हैं यू नो दे मे बी वॉन्ट टू मैरी यू नो आउट साइड कास्ट आउट दियर रिलीजन वो अपने कंसेंट से लव मैरिज या कुछ करना चाहती हैं या फिर भाग जाती है या फिर पढ़ना चाहती हैं राइट एंड ऑफिस

Now, what is इज द डेटा टू बैक जब भी भी आप मैरिज की एज बढ़ाते हैं तो चाइल्ड मैरिज कम होती है right? तो अब हम ये कैसे use कर सकते पहले के अंदर जो 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 है, सेट की गई थी कि अट्ठारह साल की उम्र जो है मिनिमम एज होगी तो क्या हमने 70s 80s में ही डिक्लाइन शुरू कर दिया था डिक्लाइन देखने को हमें मिल गया था चाइल्ड मैरिज में तो नहीं इनफैक्ट सेवेंटीजीज में को कोई ऐसा डिक्लाइन नहीं था इट वॉज मैरिज इन इंडिया एंड दिस वॉज मोर को रिलेटेड टू वॉट टू गवर्नमेंट स्ट्रेसिंग ऑफ प्राइमरी एडुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड तो गवर्नमेंट ने जब दो इश्यूज के ऊपर काम किया पहली चीज टू तो इंश्योर एडुकेशन अमंगस्ट विमेन एंड दूसरा जब उन्होंने पॉवर्टी को टैकल करने की कोशिश की इन दोनों का ज्यादा इम्पैक्ट था ऑन डिक्रीजिंग चाइल्ड मैरिज रादर देन एन इंक्रीज ऑफ द मैरिजेबल Age. In fact, 70 of early को देखते हैं right? है? लोगों को पता नहीं चलेगा राइट विच विल एंड ऑफ दिविंग बहुत सारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? Age, you know, women, आपको फोकस करना चाहिए ऑन बेटर एडुकेशन फैसिलिटीज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे राइट right? पॉवर्टी को कॉम्बैट करने के मेजर्स इंप्रूव लाइवलीहुड मेजर्स ऑफ यंग गर्ल्स एंड वेमेन एंड साथ ही में जो उनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव करने के ऊपर थ्रू गवर्नमेंट इनिशियटिव इस पे जो है आपको काम करना चाहिए राधन इन मैरिज की एज को इंक्रीज करने की ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं तो इन पे आप नज़र बनाए रखें राइट सो दिस वाज ऑल इन द फ्यू मिनट सीरीज टूडे वेरी इंपॉर्टेंटली इसका पी जो है आपको हमारी वेबसाइट स्लीपी क्लासेज मिल जाएगा इन द डाउनलोड सेक्शन तो वहां पे जाके जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं राइट सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस